आप लोग ठीक होंगे बच्चों, मैं भी ठीक हूं। तो आज चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8.1। ठीक है, पहली क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है एबीसी। ए बी सी, ठीक है। बी जो है राइट एंगल है, बी राइट एंगल, ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। ए बी 24 सेंटीमीटर, बीसी सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बता रखा था कि जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, वहां पे पाइथागोरस लगता है। ठीक है, पाइथागोरस लगता है ना, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ए का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं, ए सी का स्क्वायर, राइट, पी पी ए बी का स्क्वायर प्लस बी बी सी का स्क्वायर, करें बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, ए सी, ए सी ए बी, ए बी इक्वल टू बच्चों 24, बी सी 7 प्लस 5, राइट। 24 24, 7 मल्टीप्लाई 7, ओके। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो 24 4 96 और 22 48, तो 5 7 6, राइट डाउन 5 7 6 और 7 7 49, 6 2 5, आयो एसी स्क्वायर, ठीक है, एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि हमने इसको एलसीएम कर दिया है ना, और जब हमने एलसीएम कर दिया तो आपका स्क्वायर बन गया है ना। तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर हो गया, तो एसी का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी 25, डन है। तो बच्चों, तो इसमें आपको फाइंड करना है साइन ए का वैल्यू है ना, साइन ए, देखो हालांकि आपने पढ़ा होगा साइन, साइन का हमने आपको साइन थीटा का मैंने बता रखा था पी वाई ए, पिछली वीडियो में बताया था आपको, आप एक बार देख लीजिएगा, अगर कहीं आपको समझ कमेंट में अप्लाई जो भी प्रॉब्लम होगा ना, आप कमेंट में आप दे दीजिएगा है ना, फिर हम उसको करने की कोशिश करेंगे आपको है ना। तो अब यहां पे साइन थीटा बोल रहा है, अब यहाँ पे साइन ए आ गया, देखिए अब यहाँ पे साइन ए, हालांकि साइन ए हमारा राइट एंगल नहीं है, हमारा साइन बी राइट एंगल है, अगर साइन बी अगर होता तो हम पी बाई एच करते, क्योंकि राइट एंगल है, और अगर यहाँ पे होता साइन सी तो पी बाई एच करते, पर यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, यानी साइन यहाँ पे ए है, जो पी है ना वो हमारा बी बन जाता है उसकी वैल्यू, राइट। तो बी की वैल्यू कितना है, ए बी हमारा पी हो गया, ए हमारा हो गया बी, राइट। तो जो पी था वो हमारा बी बन जाएगा, तो बी की वैल्यू कितना हो गया 7, और इसका तो वही रहेगा जो अभी आया है, तो ये आपका आंसर आ गया, साइन का वैल्यू आ गया 7 बाई
25। अगला क्वेश्चन है उसी में कॉस ए, कॉस ए ठीक है, कॉस ए, कॉस ए का भी उसी तरह आपने हमने पिछले क्लास में दिया था, कॉस कॉस थीटा का हमने बताया था आपको बी वाई एच, बी वाई एच पर थीटा तो है नहीं है क्योंकि यहां पे कॉस सी की वैल्यू है। अगर यहां पे होता कॉस बी बी तो बी वाई एच करते, कॉस आर सी होता तो हम करते बी वाई एच, पर यहां पे कॉस ए है, कॉस ए बहुत अंतर हो जाएगा, यानी जो बी है ना वो पी बन जाएगा, पी हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो पी की वैल्यू कितना है बच्चों 24 और ये चेंज नहीं होता ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको मैं से क्लियर कर दूं, हाँ ठीक है क्लियर कर देता हूं है ना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों ये जो है ना 8.1 से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे ये आपके दो नंबर में आएंगे, और ये जो क्वेश्चन है तो इस तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं दो नंबर के आएंगे, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ सेकंड क्वेश्चन ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन है ना, तो यहां देखिए P Q R ठीक है, जो Q हमारा राइट एंगल है और PQ हमारा 12 सेंटीमीटर और हमारा 13 सेंटीमीटर राइट ओके। तो हमें क्या एक क्वेश्चन बनाएंगे आप, अगर बनाएंगे तो मैं आपको दो सेकंड समय देता हूं, अगर बनाएंगे तो ट्राई करिए ठीक है, ठीक कोशिश करिए जल्दी, दो सेकंड देखिए टाइम तो दो सेकंड हो गया, चलिए हम ही करते हैं कोई बात नहीं ठीक है। देखो तो P समझ में आ रहा है ना, देखो इसे हम कहेंगे H, इसे कहेंगे B ओके। हाँ ध्यान देखिए आप आराम से देखिए, नहीं आएगा देखिए, कोई भी चैनल खराब नहीं होता, कोई भी वीडियो पर यूट्यूब पर आप किसी पर भी देखिए, लेकिन सोल्व करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस कीजिए।